हेलो फ्रेंड्स, आप हमें लाइव देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम क्विक रिव्यू भी करेंगे और आपको डेमो देंगे। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स लेज़र ब्रांड का, आप कह सकते हैं एक प्रकार का फ्रेश एयर फैन है। और फ्रेंड्स, हम इसका डेमो और इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे कि इसका कितना एयर फ्लो है, कितना ये नॉइज़ करता है और इसकी एक्चुअल में आरपीएम कितनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप इसका नाम देखेंगे तो ये लेज़र ब्रांड का ऑक्सीजन एयर फैन कह सकते हैं, फ्रेश एयर फैन। और इसकी जो लेंथ जो है ब्लेड की, वो है 225 mm। और जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पूरा आप नापोगे तो 225 या 230 तक आता है ब्लेड्स को मिलाकर। और फ्रेंड्स, इस पे आपको 2 साल की वारंटी मिल रही है, वो भी आपके घर पे आकर ये करेंगे, सर्व करेंगे। और फ्रेंड्स, ये इसके कुछ बेनिफिट बताए हैं कंपनी ने, साइलेंट ऑपरेशन है, तो हम चेक करेंगे कि ये नॉइस करता है कि नहीं, शोर करता है कि नहीं। तो काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन है, साइंटिफिकली डिज़ाइन एंड मेटेलिक ब्लेड एंड गार्ड। तो फ्रेंड्स, इसके जो ब्लेड्स हैं या आप इसका कह सकते हैं गार्ड जो है, वो साइंटिफिकली डिज़ाइन भी है और ये पूरी तरह से मेटल का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। तो इसकी अगर आप बिल्ड क्वालिटी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है। और कंपनी ने जो प्राइस भी रखा है वो ज़्यादा महंगा नहीं रखा है, इन्वर्टर कंपेटेबल है। फ्रेंड्स, इसमें जो मोटर लग रही है, अगर आपको हम ये दिखाएं, अगर जस्ट 60 वाट है तो ये आपकी आसानी से इन्वर्टर पे चल जाएगी। तो 60 वाट जो है, हमें लगता है थोड़ा सा कम होता तो बेहतर रहता, 60 वाट तो बहुत ज़्यादा है एक एग्जॉस्ट फैन की अगर बिजली ले इतना। एलिगेंट प्रोटेक्टिव गार्ड है फ्रेंड्स, तो ये इसका गार्ड है, तो ये आप कह सकते हैं। और अगर हम इसकी थोड़ी और देखें, ये इसका प्राइस जो है, कंपनी ने जो प्राइस जो है 1700 रुपये रखा है, बट ये आपको 1000 रुपये तक मिल जाएगा। अगर आप आपका अगर स्पेस थोड़ा सा बड़ा है तो फिर आप 12 इंची लीजिए, अगर आपका स्पेस इससे छोटा है तो फिर आप 6 इंची, 4 इंची और इवन ज़्यादा बड़े के लिए जो है 15-18 इंची आप जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें स्वीप साइज जो है, जैसे हमने आपको बताया था 225 mm है, तो ये ब्लेड्स का साइज होता है कि कितना ब्लेड का टोटल लेंथ है, तो हमने नापा था ये 225 या 230 के करीब आ रहा है। अब जो है फ्रेंड्स, अब इसके हम देखते हैं कि क्या इसके टेक्निकल डिटेल इसके इसमें लिखा हुआ है। तो ये मोटर के नीचे जो है काफ़ी इन्होंने अंदर लिखा हुआ है, जबकि ये चीज़ें जो है कंपनी को बाहर लिखनी चाहिए थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कि ये कितनी बिजली कंज्यूम करता है। तो ये 60 वाट की मोटर है, अगर आप इसकी स्पीड देखेंगे तो ये है 2400 rpm, यानी कि 2040 रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में कितना मूव कर रहा है। अब जो है फ्रेंड्स, हम इसकी आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे। तो अगर हम वेट करके देखें तो इसका जो नेट वेट जो है अराउंड 4 kg के आसपास होना चाहिए, 3 kg से लेकर 4 kg के आसपास। ये आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं, पेंट भी ठीक ठाक है, इतना बढ़िया पेंट नहीं है, क्योंकि 1000 रुपये की तो ये मोटर है, तो इस पर आपको कह सकते हैं कि इतना महंगा मेटेलिक पेंट इसमें नहीं किया गया है। तो अब जो हम इसको आपको चलाकर दिखाते हैं, तो जस्ट इसमें यहाँ पर हम वायरिंग करके, तो आप इसमें जो है फ्रेंड्स, इसी साइज में आप रिवर्सिबल वाला एग्जॉस्ट फैन ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तेज मोटर की ज़रूरत है तो उसमें फिर आप ट्रांस वाला मॉडल भी ले सकते हैं, जिसमें मोटर ज़्यादा पावरफुल लगी होती है। तो हमारा मन तो ट्रांस वाला लेने का था, बट उसमें क्या होता है कि एक बटन होता है, और बटन जो है इसके अगर अपने छत के ऊपर ही लगाना है, बिल्कुल जैसे हमारे छत के टॉप में आप लगाओगे, तो उसका बटन जो है नीचे तक नहीं आता है। तो इसीलिए जो है हमने रिवर्सिबल वाला नहीं लिया, नहीं तो रिवर्सिबल वाला ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आप कह सकते हैं। तो ये हमने तार इसमें लगा दी है, तो ये देख सकते हैं आप इसका पहले, बहुत ही पावरफुल मोटर आप कह सकते हैं। एयर फ्लो चेक करके दिखाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं पेपर से कितना ये उठा रहा है, बहुत अच्छा एयर फ्लो है पास से, और डिपेंड करता है कि पीछे से वोल्टेज कितनी आ रही है। तो अब जो है हम इसका अब एयर फ्लो जो है हम अपने डिवाइस से भी चेक करके दिखा देते हैं। तो जस्ट ये आपकी रीडिंग आ रही है, एयर फ्लो मेजर करने का एक डिवाइस है,
तो ये आप देख सकते हैं 2.33 तक जा रही है, ये आप देख सकते हैं एक्चुअल में 3.5 तक जा रही है। तो ऊपर से आप ये देख सकते हैं। अब जो है फ्रेंड्स, इसका हम अगर साउंड देखें तो नॉइजी है, मतलब इतना साइलेंट भी नहीं है। ATDBI है जो कि बहुत ज्यादा है हमारे हिसाब से, ATDBI तो कूलर का होता है। और अब जो है हम इसका चेक करते हैं कि ये एक्चुअल में रोटेशन कितनी कर रहा है। तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं, है नॉन कॉन्टैक्ट टेक्टोमीटर कह सकते हैं। ये देखिए, ये इसकी RPM आ गई है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है, 2400 RPM ये दिखा रहा है। तो ये था फ्रेंड्स, अब जो हम इसको आपको बंद कर देते हैं। तो क्यों आपको एग्जास्ट फैन लगाना चाहिए? तो जैसे आप सभी जानते हैं कि जहां पर जिस बाथरूम में अगर गैस वाले गीजर हैं, या आजकल जैसे आप सभी देख रहे हैं कि हवा ही गंदी आ रही है, हवा में ही इतनी डस्ट है, तो आपको फिर कमरे को साफ करने के लिए जो है, जैसे कि एग्जास्ट फैन चला दिया, फिर सारी खिड़कियां बंद करके एयर प्यूरीफायर लगा दिया, तो बहुत ही यूनिक फायदा होता है। अगर आपके कमरे में बहुत ज़्यादा स्मोक है, डस्ट है, तो उस केस में जो है आपको दो चीज़ें लगवानी पड़ती हैं, या तो एक एग्जास्ट फैन लो और उसके साथ साथ एक एयर प्यूरीफायर लगाओ, क्योंकि आजकल जैसे आप सभी जानते हैं कि पूरी हवा ही गंदी है। तो अगर फ्रेश हवा आएगी आपके कमरे में, वही दूषित है, वही जहरीली है, तो उसको निकालने के लिए जो है आपको एक छोटा सा एयर प्यूरीफायर और सॉरी ये आपको एग्जास्ट फैन और प्लस में एयर प्यूरीफायर लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, लेज़र ब्रांड का तो आपको शायद ना मिले, बट ये ऑनलाइन जो है आपको ल्यूमिनस है या उषा ब्रांड के है, अपने मन मुताबिक जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से आपने लेना है। तो ये हमारे पास जो है ये कम से कम 9 इंची है, तो आप ये देखेंगे पूरा डायमीटर नापेंगे तो ये 12 इंची बता रहा है सारी लेंथ। और अगर आप इसके ब्लेड्स का देखेंगे तो ये देखिए 220 के आसपास ये ब्लेड का लेंथ आ जाता है। तो इस तरह से जो है आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है हवा इतनी दूषित है कि आपको उस हवा को निकालने के लिए भी एक छोटा सा मिनी एग्जॉस्ट फैन लेना पड़ सकता है। अगर आपके बाथरूम में दीवार में कोई छेद नहीं है, जगह नहीं है, तो आप उसको तुड़वा के 4 इंची या 6 इंची एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं, क्योंकि हवा को जब तक आप बाहर नहीं निकालोगे तब तक आप अपनी हवा को शुद्ध नहीं कर पाओगे आसानी से। तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, धन्यवाद। और वीडियो के नीचे हम सभी प्रकार के जितने भी एग्जॉस्ट फैन ऑनलाइन अमेज़न पर मिल रहे हैं, अगर आपको लेज़र का लोकल मार्केट में मिल रहा है तो लेज़र का भी आप खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, धन्यवाद। तो जाते जाते जो है, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, बस ये है कि जितनी ज़्यादा स्पीड उतना शोर, बहुत ही पावरफुल मोटर है और डिपेंड भी करता है कि पीछे से वोल्टेज कितनी आ रही है, क्योंकि आजकल मौसम ठंडा है तो हाई वोल्टेज के कारण जो है ये ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। बहुत ही पावरफुल मोटर है इसकी।